गवर्नमेंट टीजीटी टीचर्स, जेई, ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क और इनके अलावा और भी काफी सारी अन्य पदों के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। कल 8 तारीख को इनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 10 तारीख से आप इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए अपर एज लिमिट 45 साल निर्धारित की गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि की जहां तक बात है वो है 9/5/2021। तो ठीक है, इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स और अन्य गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए दोस्तों, डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। सबसे पहले हम वैकेंसियों की डिटेल देखेंगे, उसके बाद बाकी की जानकारी। काफी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से वैकेंसियां आई हुई हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में स्टाफ नर्स की वैकेंसियां हैं 90, फार्मिस्ट की वैकेंसियां हैं 100, हॉर्टिकल्चर में बी कीपर की वैकेंसी है 4, डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी है 2, फूड एंड सप्लाई कस्टमर अफेयर्स विभाग में 1 वैकेंसी है, स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में 2 वैकेंसियां हैं और ऑक्शन रिकॉर्डर की 6 वैकेंसियां हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल की 5 हैं, इलेक्ट्रीशियन की 2 हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की काफी सारी वैकेंसियां हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये देख सकते हैं टोटल 23 वैकेंसियां हैं। हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में 1, हेल्थ फैमिली वेलफेयर में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 29, जूनियर इंजीनियर सिविल की 6, स्टेनोटाइपिस्ट की 3, हेल्थ फैमिली वेलफेयर में लेबोरेटरी अटेंडेंट असिस्टेंट की 6 वैकेंसियां हैं, थिम्लिक ऑफिसर की 2, फार्मिस्ट एलोपैथी की 6, होस्टल सुपरिटेंडेंट कम पीटीआई की 3, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 1, जूनियर ऑफिसर P&A 1, जूनियर टेक्नीशियन टेलर मास्टर 1, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल 4 वैकेंसियां हैं, HP फायर सर्विसेज में फायरमैन की 43 हैं, सुपरवाइजर फॉर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर रेगुलर बेसिस की 1 है। वेरियस डिपार्टमेंट्स में क्लर्क की टोटल 10 वैकेंसियां आई हुई हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन में लैंग्वेज टीचर की 9 वैकेंसियां हैं, पंचायती राज में हॉस्टल वार्डन की 2 हैं, प्रेस दफ्तरी की 1 है, अकाउंटेंट रेगुलर बेसिस की 1 है, जल शक्ति विभाग जूनियर इंजीनियर सिविल की 10 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में 3 वैकेंसियां हैं। तो ये वैकेंसियों की डिटेल है, कुछ रेगुलर बेसिस की, कुछ कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की रिक्रूटमेंट है आ रही है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। HP SSB.HP.GOV.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के सेक्शन पे सबसे ऊपर आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे जाएगा। 8 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है। अब बाकी की जानकारियां देख लेते हैं, आगे बढ़े उससे पहले मेन मेन डेट्स देखिए। सबसे पहले 8 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस कल 10 अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएगा, जो कि 9 मई 2021 रात्रि 11:59 तक जारी रहेगा। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। सबसे पहले एक ये कंडीशन देख लीजिए, द कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इफ ही शी हैज पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश, प्रोवाइडेड दैट दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनिफाइड हिमाचलीज। अगर आपने 10वीं या 12वीं कक्षा हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से पास कर रखी है तो ही आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं, और अगर आपके पास हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल है तो फिर आपने कहीं से कर रखी हो वो कोई इश्यू नहीं है, तो भी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये कंडीशन देख लीजिएगा, अगर आप फुलफिल करते हैं तो वीडियो आप आगे देख सकते हैं। अब इनके लिए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी वगैरह। एलिजिबिलिटी हम सभी पोस्ट की नहीं देखेंगे, सिर्फ हम टीचर्स की आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। लैंग्वेज टीचर की, इनके लिए BA विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर BA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर BA विद एटलीस्ट 45% मार्क्स विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन BEd इन अकॉर्डेंस विद NCTE गाइडलाइंस रूल्स रेगुलेशन तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो काफी सारी यहाँ कंडीशंस हैं, और इसी के साथ साथ इन में से कोई एक आपके पास होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET लैंग्वेज टीचर ड्यूली कंडक्टेड बाय HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। तो HP TET आपका क्लियर होना आवश्यक है, इनमें से कोई एक प्लस HP TET अगर आपका क्लियर है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस दे दिया गया है, ये भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी EWS एक्स सर्विसमैन ऑफ HP
360 जर्नल IRDP फिजिकली हैंडीकैप्ट वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर वर्ल्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ HP के लिए ₹120 है। SC ऑफ HP, ST ऑफ HP, OBC ऑफ HP, BPL ऑफ HP, EWS, SC, ST, OBC एक्स सर्विसमैन ऑफ HP के लिए 120 है। फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन ऑफ HP के लिए कोई एप्लीकेशन फीस यहां नहीं लगने वाली है। तो ये है दोस्तों अपडेट, रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई ऑफिशियल वेबसाइट आपके साथ शेयर कर दी गई है hp-ssb.hp.gov.in। यहीं पे आपको इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट में मेन मेन जानकारी आप तक पहुंचा दी गई है वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।